हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दोनों पल्लों की कटिंग एक साथ ही करनी है, आगे और पीछे के पल्ले की। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने बाजू के लिए निकाल लिया है। अब इतने में ही मुझे आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग कर लेनी है। तो गले का निशान मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच पे, शोल्डर मैंने 2 इंच रखा है, आर्म होल की गहराई मैंने 5.5 इंच रखा है। तो इस तरह से मैं आर्म होल की साइड बॉक्स से बना लूंगी। यहां तक मुझे रखना है, इसकी फिटिंग है चेस्ट की। यहां से मैंने इसको गुलाई दे दिया है। जो गहरा वाला है वो आगे की साइड का है और जो ऊपर से है वो बैक पार्ट की है। तो इसमें मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। नीचे से भी मैंने पेट की साइड का इस पे निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को मैं ऊपर मिला देती हूँ। आर्म होल की साइड से मैंने कट कर लिया है। अब इसमें से मैं पीछे का पल्ला जो है उसे निकाल लेती हूँ। छोटा वाला 1 इंच छोटा है पीछे का पल्ला। तो अब मैं गले की गहराई ले रही हूँ, 7 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी। गले की गहराई का निशान मैंने 7 इंच लगाया है और इस पर एक गुलाई दे दूंगी। आप चाहें तो जो भी शेप देना चाहती हैं आगे गले पे वो दे सकती हैं। तो मैंने इस तरह का शेप लगाया है, निशान लगाया है इस पर। शोल्डर से मैंने नीचे की साइड 9.5 इंच पे निशान लगाया है और चारों तरफ से मैंने 1.5 इंच की दूरी रखी है। और इस तरह से मैंने इस पर चौक से निशान लगा दिया है जहाँ से मुझे डॉट्स लगाने हैं। और नीचे की साइड से मैं बेल्ट का कपड़ा कट करूंगी। तो इस तरह से मैंने बेल्ट के लिए निशान लगाया। जैसे निशान लगाया सेम इसी तरह से इसकी कटिंग भी कर लेनी है। अब आगे बटन की पट्टी की साइड से मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो ये अस्तर का कपड़ा कट गया है। सेम इसी कपड़े को रखकर मैं मेन फैब्रिक पे इस कपड़े को रखूंगी और इसकी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट किया है और ये कपड़ा कट चुका है। ये बैक पार्ट का भी कट चुका है और फ्रंट पार्ट का भी ऐसे ही कट कर लेना है। तो देखिए ये आगे पल्ले की कटिंग कर ली हूँ। तो चलिए निशान लगाते हैं और इसकी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कैसे सिलना है। मैंने इस पर पहले से ही निशान लगाया था, वो हल्का हो गया है। तो इसमें मैंने फिर से चौक से निशान लगाया। अब चारों डॉट की सिलाई कैसे करनी है। पहला डॉट है बटन की पट्टी की साइड का, इसी साइड से आपको लगाना है सिलाई। अब गले को अच्छे से एक सिलाई लगा लें ताकि ये कपड़ा खिसके ना, आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से मैंने इस पर एक सिलाई लगा लिया है। अब नीचे की साइड सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। तो आपको पक्का कर लेना है किनारे जाते टाइम, वहाँ पे आपको पक्का करना है, नहीं तो फिर वहाँ से खुल जाता है कुछ दिन बाद। तो इस तरह से मैं अब साइड फिटिंग की साइड से मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। लास्ट में मैं आर्म होल की साइड पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ से पकड़ना है आपको, 1/2 इंच इस कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाना है और किनारे पे आते आते एकदम ख़त्म कर देना है। एकदम नॉर्मली ख़त्म करना है, ये नहीं कि एकाएक ख़त्म करें और वहाँ पे कुछ बेकार सा हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छा सा बन गया है। अब इसमें बेल्ट कैसे अटैच करना है वो दिखाती हूँ। तो देखिए मेन कपड़ा जो है उसको मैंने सीधी साइड रखा है, अस्तर का कपड़ा उल्टी साइड रखा है, बीच में ब्लाउज का कपड़ा है। तो 1/2 इंच आगे निकालते हुए बेल्ट को मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको बराबर से इसको पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब इस कपड़े को मैं सीधा करूंगी। अब यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेती हूँ, एक किनारे पे एक सिलाई लगा लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसमें बटन पट्टी रह गई है और नीचे के साइड सिलाई करना रह गया है। तो देखिए ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला था, इसकी वजह से मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से बराबर सेट करके आपको एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई लगा ली है इस पर। अब इस कपड़े को सीधा इस साइड पलटना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेना है आपको अच्छे से इस कपड़े को फैलाकर।
अब इसे पलटना है। आप चाहें तो इसमें हुक का भी जो आई होता है वो पहले से ही बना सकती हैं। तो देखिए इतना जाएगा वो पट्टी में, तो यहाँ पे एक लगेगा और एक यहाँ पे कच बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया वहीं पे बनेगा। तो चलिए इसको सिलना कैसे है मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं इसकी सिलाई इस तरह से कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एकदम किनारे से अच्छे से पैक कर लेना है, फिर आपको इस साइड लाना है। तो देखिए मैं जैसे घुमाकर इस पर सिलाई लगा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको सिलाई लगानी है इस पर, और सिलते टाइम ही आपका कच बन जाएगा। अगर हुक लगाने का आइडिया आप लोगों को जानना है तो वो भी आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगी। तो देखिए पट्टी लग चुकी है, गले पे मैंने पाइपिंग लगा लिया, नीचे की साइड पट्टी लगा लिया। तो इसी तरह से मैंने आगे के पल्ले की कटिंग और सिलाई कर ली है, पूरा ब्लाउज फाइनल हो गया है। इसकी कटिंग और सिलाई समझ में आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।